देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं, हम उससे आगे बढ़ गए। पता नहीं हमारे मन को क्या हो गया, हमने ये भी कह दिया देश के किसानों का अपमान कर दिया, हमने यहां तक कह दिया देश का किसान बिकाऊ है, 2-2 हजार रुपए की योजना के कारण किसानों के वोट खरीद लिए गए। मैं मानता हूं इस देश के किसान को ऐसे अपमानित करना नहीं चाहिए। मेरा देश का किसान, हमारे देश का किसान बिकाऊ नहीं है। हमारा देश का किसान तो वो है जब अन्न पैदा करता है, काली मजदूरी करके अन्न पैदा करता है, वो कभी सोचता नहीं है कि मैंने मेहनत करके जो अन्न पैदा किया है वो किसके पेट में जाएगा, गरीब के पेट में जाएगा कि अमीर के पेट में जाएगा, वो कभी नहीं सोचता है। उस किसान के लिए हम ये कह दें कि हमारे देश में, मैं समझता हूँ 15 करोड़ किसान परिवारों को पर अपने अपमानित किया इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके कि 2-2 हजार रुपये की स्कीम के कारण वो बिक गए। मैं हैरान हूं, मीडिया को भी गालियां दी गई, मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं, हम कहां खड़े हैं? मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं, मीडिया बिकाऊ है क्या? मीडिया कोई खरीद लेता है क्या और खरीद करके करते हैं? और जिन राज्यों में, क्या तमिलनाडु में भी यही लागू होगा क्या? क्या केरल में यही लागू होगा क्या? हम उन बातों को करें जिस बातों में कोई, क्योंकि ये सदन ऐसा ही, सदन में बोली गई बातों का अपना एक महत्व होता है। हम कुछ भी कहते रहते हैं और ठीक है अखबारों में हेडलाइन मिल जाएगी, लेकिन भारत का लोकतंत्र जिसमें दुनिया में उसकी एक प्रतिष्ठा है, हमने गर्व होना चाहिए। भारत की चुनाव प्रक्रिया विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर होती है और इस अवसर को हमने खोना नहीं चाहिए।